कमेंट करके बताना कैसे लग रहे फैजान और मैं, इसमें हमने नए कपड़े पहने। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहीं से व्लॉग मैंने एंड किया था कल का और यहीं से मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी साहिल जो है जा चुका है उसके घर और अब मैं जो है वीडियो एडिट करने वाला हूँ मेरा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट ही कर देते। तो आज का व्लॉग जो होगा, आज के व्लॉग में मैं आपको मेरे पापा की फ़ोटोज़ कुछ बताने वाला हूँ, जिसके लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके पापा क्यों नहीं आते। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने एक वीडियो बनाकर दे ही दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो तो ये वाला वीडियो जो है ज़रूर देख लेना, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको और आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। और बाकी फ़ोटोज़ आप मेरे पापा के आज मैं आपको दिखाऊँगा आज के व्लॉग में, तो बने रहना व्लॉग में एंड तक। तो गाइस, हानिया ने एकदम कड़क नोट 50 रुपये का ले लिया है और मुझे दे नहीं रही है। दे दो दे दो। अरे बेटा फट जाएगा, एकदम कड़क कड़क नोट है, ईदी विदी देंगे किसी को काम आएगा। हाँ, हानिया भी आजकल समझने लग गई है भाई पैसों की पावर, पैसों से चीज़ मिलती है उसको, वो ये चीज़ समझ गई है। क्योंकि वो मेरे साथ जाती है ना किराना शॉप पर, तो वो देखती है कि भाई मैं पहले पैसे देता हूँ फिर बदले में वो मुझे चिप्स देता है, बिस्किट देता है, जो भी मैं इसके लिए लेता हूँ। तो अम्मी अभी जो है लहसुन ले रही है। गिर गया। वो प्याज के लिए कुछ लेके आओ ना, खाली करने के लिए, खाली करके लिया उसको, खाली में डाल दो। ये जो बाल्टी देख रहे हो गाइस, इसको ना इसमें हमने रस्सी बांध रखी है, इसको हम लटका के नीचे लटका देते हैं और फिर सामान ऊपर खींच लेते हैं जो भी खरीदते हैं। इसको खाली कर दिया, अब लहसुन लेंगे। क्या हुआ? बटवा इसमें रखा था ना, फिर पर्स पर्स ये रहा ये रहा। हानिया दे नहीं वो पैसे। हानिया पैसे दे दो, वो पैसे दे दो, पैसे दे दो। हानिया पैसे ही नहीं दे रही है। तो ऐसे अम्मी खींच लेती है। मिस्टर फैजान, यू एडिट द वीडियो, आई एम गोइंग विद हानिया टू गेट मिल्क पैकेट्स, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडिटिंग डू नॉट सेव द वीडियो, गिव मी फॉर रिव्यू। कैसी लगी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश? तो अभी मैं हानिया के साथ दूध के पैकेट लेने जा रहा हूँ। कहीं भी कुछ भी लेने जाना होता है, घर वाले बोलते हैं हानिया को भी ले जाओ, हानिया घूम लेगी, और घूम घुमा के इसको इतनी आदत पड़ गई है घूमने की कि अब इसको रोज़ कुछ काम ना हो तो भी घुमाने लेके जाना पड़ता है ना हानिया। और नीचे आने से पहले हानिया ये जो घंटी दिख रही है ना आपको, ये बजा के निकलती। इधर देखो ऊपर, आपकी घंटी तो बजा दो, ये देखो ये बजा दी इसने घंटी, अब हम जाएंगे नीचे, अगर नहीं बजाओ तो ये रोने लगती है। मेरी एक चीज़ से तो आप भी अग्री करोगे कि जब भी हम किसी ऐसे घर के सामने से निकलते जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लगती है। ये जो घर बन रहा है यहाँ से निकलो तो भी ऐसे ही लगता है। एक दूध की थैली, दूध का पैकेट अमूल का बड़ा 50 रुपये का पर पड़ा। अमूल का दूध का पैकेट बड़ा, एक अमूल का बड़ा मतलब 1 लीटर वाला नहीं, छोटा छोटा 30 रुपये वाला। हाँ, मना के बंद कर दिया अभी, वो डॉक्टर ने साहब नहीं मना कर दिया, वो पेक रहते हैं, मैदा रहता पूरा, मैदा रहता, मैदा भी रहता। ये आप मुझे बोलते ना चावल के पापड़ बेचते हैं, चावल के पापड़ नहीं है तो मैदे के पापड़ रहते हैं ये। हाँ सही बात है, ये आप बोलते ना चावल पापड़ अपने ही तो बनते थे पहले, उसमें सरसों का तेल डाल के उसको पीला कर देते थे चावल का पापड़। सही है। आपका मकान तो पर अभी कूलर का काम कर रहा है अब, ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से निकलो था। तो गाइस, दूध लेके मैं आ गया हूँ घर और किराने वाले अंकल खुद बोल रहे थे कि हानिया को ये बाहर की चीज़ें मत दिया करो, मैदे वाली ये चिप्स वगैरह और ये सब में मिलावट होती है। तो किराने वाले अंकल खुद ही कह रहे हैं तो भाई फिर तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको तो अपना सामान बेचना है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, मतलब भाई देना ही नहीं है इसको। तो दूध ले आया था तो चाय भी बन चुकी है, चाय के साथ आज शिरमाल खाएंगे। शिरमाल खाना मुझे चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इनफैक्ट शिरमाल तो मैं दूध के साथ भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। तो गाइस, अभी हम फिर से डॉक्टर साहब के क्लिनिक आए, बहुत शोर आ रहा था वहाँ पर इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और हानिया ने जो है ना बार बार गोद में से नीचे उतरे जा रही थी और ज़मीन पर बैठे जा रही थी, बहुत मना कर रहे थे उसके बाद भी। और ये देखो अब ये कहाँ जा रही है, अरे उधर नहीं जाते, एक बार बोलो तो सुन लेना चाहिए।
डॉक्टर को दिखाने के बाद हम आए थे चश्मे की शॉप पर। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं, अगर आपने हमारे लास्ट व्लॉग ठीक से देखे तो आपको पता होगा हम क्यों आए हैं। चलो गैस करो, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन सही बताता है हम यहाँ क्यों आए हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर ना मैंने हानिया के लिए भी गॉगल्स देखे, बट हानिया का के लिए जो देखा था वो थोड़ा सा लूज़ आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाला जो था हानिया के लिए देखा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही इसमें, बट ये थोड़ा लूज़ था यार, तो वो निकले जा रहा था बार बार, उसे होल्ड करना हानिया के लिए मुश्किल हो रहा था। मुझे ये पसंद तो बहुत आ गया था लेकिन इसके साइज़ का नहीं था, इसके साइज़ का मिल गया ना तो ऐसा ले लूँगा मैं। उसके बाद हम गए थे किराना शॉप पर क्योंकि घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो बस इसीलिए। तो गाइज़ अब वक्त आ गया है जब मैं आपको मेरे पापा के कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फ़ोटो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है तो वही वाला दिखा रहा हूँ। वैसे बहुत पुराना फ़ोटो है, ये फ़ोटो सारे ही बहुत पुराने हैं तो क्वालिटी थोड़ा सा वीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लेना आप लोग इसमें। तो पहला फ़ोटो दिखाते हैं, तो ये देखो, ये है फर्स्ट फ़ोटो। इसमें मम्मी और पापा की गोद में फिज़ान और मुझ में से कौन है ये कॉमेंट करके बताना, गेस करो आप लोग। ये मेरे पापा है, ये मेरी अम्मी है। ये जब अम्मी मेरी नई नई शादी हुई थी इनकी, तब का फोटो देख लो, अभी ऐसी दिखती है। ज़्यादा फर्क मुझे लगता नहीं है, बस थोड़ी सी अम्मी हेल्दी है, पहले पतली थी। आप लोग ये ज़रूर गेस करना कि ये फैज़ान है या फिर मैं हूँ। चलो सेकंड फ़ोटो दिखाता हूँ। तो देखो ये सेकंड फ़ोटो है और ये हम दोनों पापा के साथ पार्क में घूमने गए थे। इसमें तो पहचान ही लिया होगा कि कौन फैज़ान है कौन रियान। उस टाइम फैज़ान का पेट दर्द हो रहा था तो घुमाने ले गए थे। देखो गाइस, उस टाइम फैज़ान का फेस भी दिख रहा होगा, फेस से भी दिख रहा होगा, महसूस हो रही है। फेस से भी दिख रहा होगा फैज़ान का पेट दर्द हो रहा है। और इधर मेरा फेस ये करीब से दिखा देता हूँ, घर के कपड़ों में तैयार भी नहीं करा था और ऐसे ही ले गए थे। फोटो जब का है तब फैज़ान का पेट दुख रहा था और उसको हम ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे और उसको वो भूल जाए पेट दर्द, इसलिए लेके घुमाने लगे थे गार्डन में। एक और अगला फोटो दिखाता हूँ आपको पापा का। तो ये जो फोटो है ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, मैं फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये ठीक से दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड है। ये फोटो कहाँ का है ये बता देता हूँ, ये है अजमेर का, आना सागर का। तो गाइज अगर आपने हमारा अजमेर वाला व्लॉग देखा है तो ये आना सागर जो है ना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, कवर किया है, तो वो ज़रूर देख लेना आप लोग। चलो अब नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ, ये ईद के टाइम का। तो ये है ईद के टाइम का फोटो, ये रहे मेरे पापा, ये फैज़ान है पापा की गोद में, ये कौन था पड़ोसी किराएदार, ये हमारे किराएदार थे उस टाइम पे, ये उनका बच्चा है ना, उनका भांजा है, उनका भांजा है। और ये मैं हूँ, तो कमेंट करके बताना कैसे लग रहे फैज़ान और मैं, इसमें हमने नए कपड़े पहने। बड़े बड़े भी बहुत है। और कपड़े बड़े बड़े, बचपन में बड़े कपड़े ही मिला दिलाते थे घर वाले ताकि ज़्यादा दिन तक चल सके है ना। तो ये चार फोटोज मैंने आपको दिखाने के लिए निकाले थे, और भी एक और सॉरी पांचवा फोटो भी एक। तो देखो ये फिफ्थ फोटो है, ये भी ईद का है। पापा हमें मेघदूत गार्डन में अक्सर घुमाने लेके जाते थे, तो ये ईद का फोटो है। ये हमारे ईद के कपड़े, ये भी बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, पर ये कपड़े हमें बहुत पसंद थे, अब तो छोटे बहुत है। ये कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि खराब ही नहीं हुए थे, बहुत दिन तक फेंकना ही पड़ता इनको, है ना। दे दिया था किसी को। ये जिस पार्क का फोटो है, हानिया को पसंद आ गया लगता है ये वाला फोटो। पापा, चाचू, दादू पसंद आ गया हानिया आपका ये फोटो? फाड़ना नहीं बेटा, बेटा हमारी गोल्डन मेमोरीज है, उसको फाड़ना नहीं है। तो गाइज ये कुछ फोटोज थे, पांच फोटोज ये मैंने आपको निकाल के दिखाए। और ये जो पार्क है मेघदूत गार्डन, यहाँ पर हम जाएंगे और अपना बचपन याद करने की कोशिश करेंगे, आपको भी लेके चलेंगे कभी और व्लॉग भी बनाएंगे वहाँ पर, तो बने रहना आप चैनल पर। और ये हमारे पापा के पांच फोटोज थे जो मैंने आपके लिए निकाले थे, आपको कैसे लगे कॉमेंट करके बताना। आप चाहते हैं क्या आने वाले व्लॉग्स में और भी फोटोज देखना, कमेंट करके ये भी जरूर बताना। हेलो दादा, कैसे हो आप, बात कर लो। तो हानिया बेबी के हाथ में आज हानिया बेबी के दादू का फोन आ चुका है और उनके फोन से वो बात कर रही है। किससे बात कर रहे हो? और दादा की स्टाइल में बात कर रही है, खासा फोन दबा रही है। सबको आपके दादा का फोन बता दे, दादा कौन सा फोन यूज करते थे।
तो गाइज ये जो फ़ोन है ये मेरे पापा यूज़ करते थे। उस ज़माने में स्मार्टफोन कम ही हुआ करते थे। 2011 में शायद उन्होंने ये लिया था, नोकिया का C1। और नोकिया के फ़ोन उस टाइम बहुत हिट थे, आजकल इतने नहीं चलते नोकिया के फ़ोन। और पापा के बाद ये फ़ोन को फैज़ान ने यूज़ किया था और फिर ये बंद हो गया था। मैंने भी यूज़ करा था उसके बाद। हाँ, कुछ दिन फैज़ान को नया दिला दिया था, फिर अम्मी ने भी यूज़ किया था इसको कुछ दिन, फिर उसके बाद ये डेड हो गया पूरी तरह से। रिपेयर करवाने की भी कोशिश करी पर रिपेयर हुआ नहीं, पर फिर भी हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है मेमोरीज के तौर पे संभाल कर। नानू से बात कर लो। नानू, नानू अस्सलाम वालेकुम, आनिया से मिलने आ जाओ। शर्म आ गई, समझ गई, आनिया को शर्म आ गई है। समझ जाती है तो नहीं करती है। सो गाइज अभी जो है डिनर का टाइम हो गया है, हम सब यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और आज हमने सौरव जोशी के फेवरेट दाल चावल। अगर आपने सौरव जोशी का व्लॉग देखा आपको पता होगा वो दाल चावल वो बहुत खाते हैं। वो पहाड़ी डिश कोई खाते हैं भटके डुबके ऐसा कुछ करके, लेकिन दाल चावल तो ऐसी चीज़ है यार मुझे भी बहुत पसंद है। साथ में ये मसालेदार सैलेड मिल जाए तो क्या ही बात है। ओ चाचू को क्यों मार रहे हो? अरे सो थोड़ी रहा हूं, मैं तो लेटा हुआ हूं। हानिया गाइस चाचू पे हाथ उठा रही है, बहुत बुरी बात है हानिया। और आपके हाथ में क्या हो गया? ये हाथ फूल रहा है यार। फैजान के हाथ में दर्द है तो ये अम्मी का दुपट्टा बांध लिया इसने बाम बाम लगा के ना। हाँ। देसी जुगाड़। और इसी के साथ आप व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।